उनके कुछ गांठ पाए गए थे उस समय से यदि उनका प्रॉपर इलाज होता तो शायद आज इतनी दयनीय स्थिति में हम नहीं आते। मध्य प्रदेश में मार्च 13 में जाने के बाद वहां एक स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर में उनको एडमिट करवाया गया है, वहां भी ऐसी स्थिति में जबकि 26 दिनों से वो बेड पर केवल लेटी हुई थी, हिल डोल नहीं कर सकती थी। उनके स्पाइन में ऐसा प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी के बीच का जो एक पार्ट होता है वो टूट करके निकल गया है। उनको ऑपरेशन करना अति अनिवार्य है, जिसके रिपोर्ट की कॉपी मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, इसमें से सबको वो कॉपी दूंगा। बाद में उसी स्पाइन सेंटर में जब उनका ऑपरेशन करने के बाद यह प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी उनके राइट ब्रेस्ट में, तो हम सबों ने उनके पूर्व एक डॉक्टर जे हॉस्पिटल में रहे हैं डॉक्टर एस राजपूत, उनको हम लोगों ने जाकर के संपर्क किया और उनको बार बार निवेदन किया कि आप उनका ऑपरेशन करें। साध्वी जी, अन्य किसी भी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना अब बंद कर दिए हैं, खास करके सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, और सरकारी अस्पताल से तो एक तरह से वो बिल्कुल उनको चिढ़ हो गई है कि उन पर कोई विश्वास ही नहीं है, केवल जांच करना और बिना दवाई दिए हुए उनको जेल भेजना, यह सरकारी डॉक्टरों का काम रहता है। तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर राजपूत सर पर विश्वास करके उनको ऑपरेशन करने के लिए हम सब ने निवेदन किया, उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन की गांठ को मुंबई के जो इंडियन कैंसर सोसाइटी की ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में है वहां उस गांठ को भेजा गया।